भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। खैर इसे मुकाबला कहना भी गलत क्योंकि ये है महामुकाबला। एक एक दिन बहुत बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है। जहां पहले दिन भारत पर बेईमानी के आरोप लगे और वैसा ही कुछ देखने को मिला दूसरे दिन भी पहले टेस्ट मुकाबले के दरमियान। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक बार फिर जडेजा को लेकर बॉल टेम्परिंग के बाद में अब एक और नया विवाद ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बेईमानी के आरोप दूसरे दिन के मुकाबले के दरमियान भी लगाए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर क्यों विराट कोहली के बल्ले के साथ छेड़छाड़ी देखने को मिली तो वहीं पर कप्तान रोहित शर्मा बीच मैदान पर आग बबूला नजर आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बेईमानी के आरोप क्यों लगाए हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मुकाबले में दूसरे दिन आखिर भारत पर क्यों बेईमानी के आरोप लगे। लेकिन उससे पहले दूसरे दिन का खेल समझते हैं, जहां भारत ने पहले गेंदबाजी करी 177 रन के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था और भारत पहले दिन के खेल खत्म होने तक 77 रन बना चुका था। अश्विन और रोहित शर्मा ने पारी का दूसरे दिन का खेल का शुरुआत किया। अश्विन तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हो या विराट कोहली या फिर टेस्ट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव भी सस्ते में चल बने। कुल मिलाकर विराट कोहली भी अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन रोहित शर्मा ने एक छोर पर खड़े रहे 120 रन की पारी खेली। रोहित बतौर कप्तान भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाए हैं। बतौर कप्तान ऐसा किया है वो एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि रविंद्र जडेजा ने और अक्षर पटेल ने भी अपनी व्यक्तिगत हाफ सेंचुरी लगाई है। लेकिन भारत 321 रन पर 7 विकेट 144 रन की लीड ले चुका है और जडेजा और अक्षर पटेल अभी भी खूंटा गाड़ पारी खेल रहे हैं। इन सबके बीच में ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। ऑस्ट्रेलिया जिस पिच को लेकर इतना ज्यादा घमासान मचा रहा था, ये पिच इतने भी बेकार नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहाना बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैन खिलाड़ी नहीं खेल पाए और भारत के जडेजा अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जो बेस्ट ऑलराउंड में आते हैं उन्होंने पारी खेली है। भारत के 9वें विकेट के लिए अक्षर पटेल ने हाफ सेंचुरी लगाई, ये देखकर ऑस्ट्रेलिया बौखला गया और अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर क्यों वाद विवाद विराट कोहली की बल्ले की छेड़खानी को लेकर हो रहा है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। टीम इंडिया लंच से पहले 3 विकेट के नुकसान पर 151 रन पर खेल रही थी। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली नाबाद लंच के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटे। कोहली इस दौरान क्रीज पर अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इसी बीच दोनों बल्लेबाज दूसरे सेशन में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ रहे थे। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जो सुर्खियां बटोर रहा है। लंच के बाद कोहली केवल एक ही गेंद खेल सके, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लंच के दरमियान ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो कहीं न कहीं, जिसमें स्टीवन स्मिथ हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, डेविड वार्नर हैं, विराट कोहली के पास जाते हैं, उनके बल्ले को चेक करते हैं, बल्ले को चेक भी करते हैं स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, और विराट वहां बातचीत कर रहे। दरअसल ये डिस्कस हुआ था उनके बीच में, लेकिन ये कोई चीटिंग नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। खैर इसी वीडियो को देखकर काफी लोगों का मानना है कि विराट के बल्ले के साथ छेड़छाड़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बेईमानी के आरोप लगाए। ये सब कुछ रविंद्र जडेजा को लेकर हो रहा है। उन्होंने अर्धशतक की पारी से सबको प्रभावित किया है। पहले तो 5 विकेट लिए और उसके बाद अर्धशतक की पारी खेली। इस बीच उनके खिलाफ DRS भी लिए गए। जी LBW आउट को लेकर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा DRS लिया गया, जो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि शायद ये रविंद्र जडेजा आउट है, लेकिन इम्पैक्ट जो रहा वो एम्पायर कॉल के पास चला गया और एम्पायर ने नॉट आउट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इसी से नाराज हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का मानना था कि शायद एम्पायर कॉल में नहीं बल्कि हिटिंग में आना चाहिए था, लाइन में आना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इसी खराब एम्पायरिंग पर, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारत पर सवाल दाग रहा है, भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहा है, जो मैच के बाद बवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की एम्पायरिंग हो रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैच भारत के पकड़ में है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी, जैसे
टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे उन्होंने जडेजा पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर फॉक्स क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो भी बार बार आरोप लगा रहे हैं और अब तो भारत के दूसरे दिन इस खराब इस डिसीजन पर भी बवाल पैदा किया है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं।